हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनिताज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो पेड़े की रेसिपी। इसे हम बिना मावा, बिना क्रीम, बिना मिल्क, बिना कंडेंस मिल्क, बिना शुगर सिरप के बनाएंगे। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ये बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगती है। और हाँ, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, तभी आपको मेरी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक आम लिया है जिसका वेट तकरीबन 300 ग्राम है। हमने इसे अच्छे से धो लिया है और हम इसका छिलका उतार लेंगे। और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ध्यान रहे, इसे बनाने के लिए हमें बढ़िया मीठा और पका हुआ आम लेना है। ये देखिए, हमने इसे काट लिया है और अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसकी एकदम फाइन प्यूरी बना लेंगे। हमने इसे पीसते वक्त दूध या पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये देखिए, हमने प्यूरी बना ली है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, हमने जो मैंगो की प्यूरी बनाई है उसे पैन में डाल देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए मध्यम आंच में पकाएंगे। इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर आम कितना मीठा है उसके हिसाब से भी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। चीनी के घुलने तक आम को पकाना है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, चीनी घुल गई है, हमें इसे थोड़ा और पकाना है। इसमें बबल्स आने लगे हैं और ये धीरे धीरे पैन भी छोड़ने लगा है। और ये देखिए, थोड़ा सा ग्लोसी सा दिखने लगा है। बस इसी स्टेज पर गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। आप चाहे तो मिल्क पाउडर की जगह मावा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे धीमी आंच पर अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम डालेंगे 1/4 कप नारियल का बुरादा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस मिठाई में बाजार जैसा कलर लाने के लिए 1 ड्रॉप रेड कलर का मिलाएंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जैसे जैसे पकता जाएगा थोड़ा थिक होता जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे लगातार चलाया है तो ये इकट्ठा होने लगा है और पैन छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। ये देखिए, अब ये पूरी तरीके से इकट्ठा हो गया है और ये पैन छोड़ने लगा है। बस इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक बटर पेपर लेंगे। आप चाहे तो सिल्वर फॉइल या प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं। अब हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस मिठाई को बटर पेपर पर ट्रांसफर कर देंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, स्पैचुला की हेल्प से इसे फैला लेंगे। ये देखिए, हमने इसे बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में फैला लिया है। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्तों को काट कर लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बेलन को घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम बेलन की सहायता से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ड्राई फ्रूट मिक्स से अच्छे से चिपक जाए। अब हम बटर पेपर को यहाँ से उठाकर रोल बनाएंगे। हम इस तरह से रोल बनाएंगे और हाथ से सेट करते जाएंगे और बटर पेपर को पीछे खींचते जाएंगे। हमें इसी तरह से रोल बनाना है, बिल्कुल टाइट रोल बनाएंगे। बस इसी तरीके से पूरा रोल रेडी कर लेंगे। अब हम इसे बटर पेपर में रोल कर देंगे। और अब हम इसको सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट से या फिर ड्राई फ्रूट से कोट कर सकते हैं।
पर हम इसे ऐसे ही प्लेन सर्व करेंगे। अब हम धीरे धीरे पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये मिठाई बहुत कम सामान में और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। इस लाजवाब मिठाई को आप एक बार बनाइए और 2 हफ्तों तक एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करिए। इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।